और चलिए बड़ी खबर आपको दे दें, साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एक और बड़ी कार्रवाई अब संभव मानी जा रही है। साध्वी को पार्टी से निकाल सकती है जो बीजेपी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। पार्टी की अनुशासन समिति बड़ी कार्रवाई कर सकती है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ। इससे पहले खबर हमने आपको दी थी, प्रज्ञा सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी, रक्षा मंत्रालय की समिति में शामिल जब किया गया था तो उस समिति से बाहर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को किया गया। लेकिन अब खबर इसके बाद ये मिल रही है कि एक और बड़ी कार्रवाई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ हो सकती है। तैयारी इसको लेकर की जा रही है। पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। ना सिर्फ कल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से लोकसभा में गोडसे को देशभक्त बताया गया, बल्कि इससे पहले भी कई बार विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर रही हैं और अब बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा में हंगामा देखा जा सकता है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कोई चीज रिकॉर्ड में हो, जब बात सदन में कर सकते हो, जब आप बाहर जो बोलते हो वह सदन में डिबेट होने लग जाएगी, कर लेना चर्चा। नो, गलत है, गलत गलत। नो, आप माननीय सदस्य, आप रोज जो सदन के बाहर बोलेंगे उस पर अगर चर्चा होने लगेगी तो ठीक है, सदन चर्चा कर ले। नो, रक्षा मंत्री ये चुप है जब बोले ना। आप बैठे सीनियर सदन के उपनेता बोल रहे हैं। सुरेश जी, आप सीनियर मेंबर है, आप सीनियर मेंबर है, आप मैं इस विषय पर डिबेट में किसी को भी नहीं बोलने दूंगा। और कोई भी विषय जब उनका सदन के रिकॉर्ड में लिया ही नहीं गया तो उस पर चर्चा करने का सवाल था। फिर भी अगर रक्षा मंत्री जी कोई बात कहना चाहते तो कह। नो, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं आया, बोलते रहो आप। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, नाथूराम प्लीज। दादा, अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर। मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार भी कंडेम करती है। पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वह मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, नो, भर्तृहरि मेहताब जी, भर्तृहरि मेहताब जी, भर्तृहरि मेहताब जी, ऑनरेबल भर्तृहरि मेहताब जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, व्हेन आई कम टू दिस हाउस, अपनी सीट पे जाओ, अपनी सीट पे जाए। व्हेन आई कम टू दिस हाउस, आई हैड कम विथ माइंड टू से to congratulate you. To congratulate you.
फॉर द टेक्निकल सपोर्ट विच लोकसभा टीवी इज प्रोवाइडिंग टू ऑल मेंबर्स सिंस लास्ट टू डेज द वीडियो रिकॉर्डिंग of our deliberation in this house is being sent directly to us, which is very praiseworthy, and it is your initiative which has made it possible. I would thank you in the first hand getting this opportunity to put my question. My question number is 141. Answer is laid on the floor of the table. Sir, my first supplementary is, it is a well-known fact that air traffic has expanded exponentially, but air traffic infrastructure and safety measures have not kept pace with such increase in air traffic. In fact, scant attention has been given to this issue over a period of time. I would like to know from Honorable Minister whether the government is going to add any value to airport operation whose main problem lay in poor airside infrastructure and air traffic management. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सदस्य का कि उन्होंने पिछले पांच वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने जिस तरह से देश के आम नागरिक को उड़ सके इस दृष्टिकोण से जो सुविधाएं प्रदान की और पिछले पांच वर्षों में बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरह से देश में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है उस विस्तार को लेकर के अपनी सहमति व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्य का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ने के कारण से एयर ट्रैफिक की संचालन की व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है, लेकिन उसके कारण से किसी भी तरह से सुविधा जो जन सुरक्षा से समझौता हो ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो मूल प्रश्न में भी माननीय सदस्य ने जो जिस विषय को लेकर के प्रश्न किया था एयर प्रॉक्सिमिटी को लेकर के, उस विषय में भी अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है जो औसत है उस औसत की अपेक्षा में विश्व में भारत का औसत जो है एयर सेफ्टी और एयर मिस की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के लगभग और अंतर्राष्ट्रीय औसत से एक तिहाई पर है और विश्व के मानक के स्तर पर भी यदि हम देखें तो इस दृष्टिकोण से ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है उन सब के दृष्टिकोण से भी हम विश्व की सूची में 11वें नंबर पर हैं। तो जो सबसे ज्यादा जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई अमेरिका में हुई है, सारे विकसित देशों के बाद में हम 11वें नंबर पर पायदान पर हैं। और बिजी एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी दृष्टिकोण से भी देखें तो पहले 10 में हम 7वें स्थान पर हैं जहां सुरक्षा मानकों पर किसी तरह की के कारण से एयर प्रॉक्सिमिटी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। मैं माननीय सदस्य की और सदन की संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं जो रजिस्टर हुई हैं वो चार कैटेगरीज में जिनको डिवाइड किया जाता है, उसमें जो सर्वाधिक चिंता का विषय ऐसी पिछले 3 वर्ष में केवल एक घटना रजिस्टर हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रतिवर्ष जो लगभग 30 से 35 के बीच में इस तरह की एयर प्रॉक्सिमिटी की घटनाएं रजिस्टर होती हैं उनमें हर एक की हम विस्तृत जांच करवाते हैं और उस घटना भविष्य में न हो इसके बारे में जो है भविष्य में न हो इसके बारे में पूरा संज्ञान लेकर के ध्यान दिया जाता है। ऑनरेबल स्पीकर सर, माय सप्लीमेंट्री वाज वेदर यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू टू एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, दैट हैज नॉट बीन आंसर्ड। But I will put my second supplementary, what you have just now mentioned, relating to the functioning of DGCA, which looks into routes, fares, flying conditions, and act as the authority for giving licenses to airlines and pilots. Types of. और इनके खिलाफ हम तो स्पीकर से दिए हैं प्रिविलेज मोशन, देखते स्पीकर क्या करते हैं। तो उनका प्रोगेटिव सर कल डिनाई कर रहे थे कि बोला ही नहीं है, उन्होंने कहा कि आप पूरा देखिए बिल्कुल या बट इसी इन दिस डे इन एज व्हेन यू हैव 24 आवर्स मीडिया यू हैव सोशल मीडिया यूट्यूब द होल वर्ल्ड द होल कंट्री हैज लिसन टू व्हाट शी हैड सेड सो आई हैव गिवन अ प्रिविलेज मोशन लेट द स्पीकर डिसाइड। Identify responsibility and also make systematic recommendations which could go against.
बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से क्या कहा गया, ये भी आपको सुनाते हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडम करती है, हमारी सरकार भी कंडम करती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, हमने लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखा इस पूरे मामले पर, विपक्ष की ओर से वॉकआउट भी कर दिया गया है, लेकिन बड़ा एक्शन यहां पर बीजेपी की ओर से लिया गया है, रक्षा मंत्रालय की समिति से बाहर निकाला गया। इसके अलावा सूत्र ये भी कह रहे हैं कि और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है साध्वी प्रज्ञा को। देखिए, दो मामलों में एक्शन हुआ है साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ पार्टी की तरफ से। एक तो उनको जो रक्षा समिति में से जुड़ी हुई जो समिति है रक्षा मंत्रालय से, उसमें शामिल किया गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने ये कहा है कि जो संसदीय बोर्ड के एक तरीके से कहे कि जो मीटिंग होती है सांसदों की इस सत्र के दौरान, पूरी तरह से उनको उससे बाहर रखा जाएगा, वो किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया है लोकसभा में कुछ देर पहले, उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की विचारधारा कल भी उस पर लोग विश्वास करते थे, उस पर चलते थे, आज भी चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और जो स्पीकर है, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ा, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी बात करें लोकसभा में, वो भी तमाम जो लोग हैं वो एक तरीके से पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करते नजर आए। और जब हंगामा बढ़ा तो फिर क्योंकि स्पीकर की तरफ से ये भी कहा गया कि कल जब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया उस शब्द को ही कार्रवाई से निकाल दिया गया है, तो अब इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए और सदन की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। जिसके बाद से ही जो विपक्ष है उसने सदन से वॉकआउट कर दिया और सुबह से ही लगातार ट्वीट भी आ रहे थे अलग अलग सांसदों के, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि वो इस मामले में नोटिस उनकी तरफ से दिया गया, इस पर चर्चा की मांग की गई। इसके अलावा राज्यसभा में भी जो आम आदमी पार्टी के सदस्य है संजय सिंह, उनकी तरफ से भी बात कही गई। तो कई जो सांसद है विपक्ष के वो इस मामले में सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा को घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ है, एक बार मीडिया के कैमरे के सामने और फिर लोकसभा के अंदर गोडसे को देशभक्त कहना यकीनन ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। इस पर पहले भी पीएम ने एक बड़ी टिप्पणी की थी और ये कहा था जब 2019 का क्योंकि प्रचार चल रहा था लोकसभा का और ये बयान आया था साध्वी प्रज्ञा की तरफ से गोडसे को लेकर, उसके बाद पीएम ने कहा था कि मैं साध्वी को कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा का ये बयान वाकई हैरान करने वाला है कि पीएम की जो नसीहत है उसका असर भी नहीं उन पर। कितनी जरूरी थी ये कार्रवाई पार्टी की ओर से साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, क्योंकि लगातार इस तरह के बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहती है और पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश होती है ये। देखिए, जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता है उनके खिलाफ कोई भी अगर टिप्पणी की जाती है और गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, उनको गोली मारी थी, उनको देशभक्त कहना तो किसी भी देशवासी के गले उतरने वाली बात नहीं है। और सीधे तौर पर बीजेपी एक साफ तौर पर इससे किनारा करती पहले भी नजर आई थी, अभी भी नजर आ रही है और यही वजह है कि रक्षा मंत्री को आज बयान देना पड़ा इस पूरे मामले पर। और जो जेपी नड्डा है कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के, उनको भी सदन की कार्रवाई से पहले बयान अपना देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि वो रक्षा समिति से जिसमें शामिल किया गया था, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी समिति में, उससे उनको बाहर कर दिया गया है और पार्टी बड़े एक्शन की तैयारी में है। क्योंकि ये एक तरीके से कहे कि सदन चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है शीतकालीन सत्र की, और उस बीच आप ऐसे मामले को जो बिना वजह का मामला है जिस पर पार्टी की फजीहत हो रही है
और क्योंकि बीजेपी की सांसद है साध्वी प्रज्ञा, तो यकीनन जवाब देना भी भारी हो रहा है। कल ही जब ये बयान आया और ये लोकसभा में इस तरह की बात साध्वी प्रज्ञा की तरफ से की गई, उस वक्त कई मीडिया में भी आप देखिए और ट्विटर पर भी देखिए लगातार ये बहस हो रही थी कि आखिर क्या बीजेपी इस बार कोई बड़ा कदम साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ उठाएगी जो नजीर बनेगा, और कम से कम दूसरे सांसदों को भी ये नसीहत मिलेगी कि आचरण में आप एक तरीके से पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो पार्टी पर भी कहीं ना कहीं दबाव था और हो सकता है आगे भी कुछ और बड़ी कार्रवाई साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ इस सिलसिले में की जाए, क्योंकि पीएम की नसीहत देने के बाद। चलिए तो शोएब आपके पास लौटूंगी मैं, बता दे राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी कहा है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, चूंकि विपक्ष को बैठे बुढ़ाए एक बड़ा मुद्दा फिर से मिल गया है बीजेपी को घेरने का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जरिए, और अब राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी कहा है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। आतंकी प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकी गोडसे को देशभक्त कहा, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। तो ना सिर्फ गोडसे को आतंकी कहा राहुल गांधी ने, बल्कि प्रज्ञा ठाकुर को भी आतंकी कहकर वो संबोधित करते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि आतंकी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से गोडसे को देशभक्त कहना ये गलत है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। पूरी तरह से हमलावर विपक्ष नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर इस पूरे मामले को लेकर, और हालांकि बीजेपी भी सख्त नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। एक्शन लिया गया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ, और अब कहा यह भी जा रहा है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, अब सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अनुशासन जो समिति है बीजेपी की वो जल्द इस पर फैसला लेगी कि बीजेपी को क्या क्या साध्वी प्रज्ञा को अब सीधे तौर पर पार्टी से बाहर किया जाए। लेकिन अभी बड़ी कार्रवाई दो की गई है, एक तो डिफेंस कमेटी से बाहर कर दिया गया है साध्वी प्रज्ञा को, इसके अलावा संसदीय समिति की संसदीय दल की जो बैठक होती है उसमें भी बैन कर दिया गया है साध्वी प्रज्ञा को, और अब एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी कहा है, ये भी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व सांसद कांग्रेस, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकी कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त कहा, यह भारत के संसदीय इतिहास का एक दुखद दिन है, ऐसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो ट्वीट के जरिए निशाना साधा है, राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकी कहा है। शोएब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। शोएब, अब विपक्ष को तो मुद्दा बड़ा मिल गया है बीजेपी को घेरने का, राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए आतंकी कह दिया साध्वी प्रज्ञा को। चलिए संपर्क शायद शोएब के साथ नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ट्वीट के जरिए जबरदस्त हमला बोला है राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकी, राहुल गांधी की ओर से कहा गया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आतंकी प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकी गोडसे को देशभक्त कहा है, ये ट्वीट राहुल गांधी की ओर से किया गया है। भारतीय संसद के इतिहास में सबसे दुखद ये दिन, राहुल गांधी ने कहा।